बेगम, तो मैं हूँ आपका मुदसर हुसैन। ये आप देख रहे हैं आज जापानी पोस्ट की स्टफ, ये मैं स्पेशल आपके लिए होल सेल में लेके आया हूँ। ये इसका आप स्टफ चेक करें, कपड़े का मटीरियल ये जापानी पोस्ट की है। इसका जो है आपको होल सेल में 700-400 रुपये रेट लगेगा। जो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कलर स्कीम और रेट में आपको कपड़े का ऐसे वाजे बताऊंगा कि ये चेक करें इस क्वालिटी कैसी है। इसकी जो कलर स्कीम है ये इसमें कलर है, ये इसमें 7 कलर हैं, डार्क कलर है। 750 इसका होल सेल रेट है। इसके बाद हमारे पास एक और वरायटी, ये पंच वाशिंग वेयर है डबल टोन में। इसका जो आपको 850 रुपये रेट लगेगा होल सेल में। और ये चीज़ की चमक के रंग और फोर की इसकी गारंटी है। इसकी जो कलर स्कीम है ये सारी कलर स्कीम इसकी है, ये सब कलर इसमें पड़े हैं। और अगर आप 5 सूट मंगवाते हैं तो आपको DC बिल्कुल फ्री है, नहीं तो अगर आपने 2 या 3 सूट मंगवाने हैं तो 250 रुपये 3 सूटों की TCS फीस है। ठीक, ये इसका रेट है। जो वो जापानी को उसकी आपको दिखाई गई उसका 750 रुपये रेट है। जो ये चमक वाला है इसका 850 रेट है। उसके अलावा हमारे पास इसमें ये सादा में वैरायटी पड़ी है। एक ये पाशा का ओरिजिनल पाशा की वाशिंग मिरर है, ये देखें स्टाफ, इसमें ये कलर स्कीम है। ये आपको 1000 का लगेगा होल सेल रेट में। हमारा जो बेसिकली होल सेल का काम है ये आप चेक कर सकते हैं। ये चेक में भी वैरायटी, अगर किसी भाई को कोई और वैरायटी चाहिए हो तो बता दें, एक दाम है हमारा होल सेल की दुकान है। ये जो जापानी पोस्ट की है, ये जो मैं आपको स्टफ दिखा रहा हूँ 750 में, ये मैंने खुद भी यही स्टफ पहना हुआ है। खुद भी मैंने जापानी वाशिंग मिरर का सूट पहना है, पिछले साल का सूट है। इसकी आप देख सकते हैं चमक और शाइन बिल्कुल सेम वैसी ही है। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और कोई ऑर्डर वगैरह हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। ये इसकी कलर स्कीम है जापानी बोस की, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो बता दें लाजमी। कि मैंने इसलिए सारे अलग-अलग करके रख के कलर स्कीम की वीडियो बना लिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर कोई भाई ऑनलाइन काम करना चाहता है घर बैठ के, या कोई फीमेल करना चाहती है, तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें। और आपकी दुआओं और बरकतों के साथ मुदस्सर हुसैन को दीजिए। अल्लाह हाफिज़।